सो गुड मॉर्निंग एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग चैनल। तो गाइस, आज का ब्लॉग होने वाला है वो मैं मोटो ब्लॉगिंग का आज मूड में हूँ। तो सोचा कि आज मैं मोटो ब्लॉगिंग करूँ, आप लोग के बीच में मैं एक ब्लॉग डालूँ। तो गाइस चलिए, मैं एक हेलमेट परचेस किया हूँ, तो गाइस मैं उसके ओर ले चलता हूँ आपको। और मैं आज मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप अपना दिखाना चाहता हूँ, तो गाइस आज मैं दिखाऊंगा वो भी। और तो गाइस आज वीडियो में बने रहे, आज सब कुछ दिखने मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। अपना हेलमेट पहले ही बाय कर लिया था, तो उसका अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं आया है। तो गाइस अभी मैं उसको अनबॉक्स कर चुका हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं कौन सा हेलमेट लिया हूँ। तो चलिए, तो मैं ये स्टील बट का हेलमेट लिया हूँ, जो बहुत अच्छा है, सस्ता सुविधा में सबसे अच्छा मोटो ब्लॉगिंग के लिए, बिगिनर के लिए बहुत अच्छा है ये हेलमेट, और सस्ता में भी है, ज़्यादा प्राइस बाद में बात करेंगे। और इसमें एक बात है कि आप इसको है ना रिमूव करके सिर्फ इसको वॉश कर सकते हैं। तो गाइस इसमें आज मैं मोटो ब्लॉगिंग करूंगा, और मेरे पास पहले से ये एक माउंट है, तो इसको मैं इसमें इंस्टॉल करूंगा। तो चलिए आप टाइम लैप्स देखिए, इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब तक इंस्टॉल करके मैं चलूंगा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप। तो चलिए, तो गाइस अभी हमारा सेटअप रेडी हो गया, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, देखिएगा पूरा स्टील बट का ब्रांड है। तो गाइस देखिए ऐसे, आ गए हैं तो मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। तो चलिए सबसे पहले तेल लेंगे। ए चचा हट जा। तो सबसे पहले पेट्रोल ले लेते हैं गाइस। तो गाइस अभी बहुत भीड़ है, यहाँ पे लेंगे। भैया 150 का दे दीजिएगा, 150। हाँ तो गाइस अभी तेल ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो गाइस देखिए 150 का दे दो। तो हमारे साथ हमारे दोस्त लोग भी है, ₹94 चल रहा है तेल का दाम यहाँ बिहार में। भैया पूरा तो बनिया से भर देते हैं। चलिए तो गाइस पहले से तेल था, अब बिल भी ले लेना। तो गाइस ये बिल मिल गया है, चलिए चलते हैं। बोले तो गाइस हम 200 तो गाइस अभी पता नहीं चल रहा है कि कैसा आवाज आ रहा है, तो चलिए अभी चेक करते हैं रास्ता में।
तो ये हमारा फर्स्ट मोटो ब्लॉगिंग है, तो गाइस आप लोग बने रहेंगे ना, तो चलो चले या ये आ गए अभी हम लोग अटल पथ में। तो यहाँ पे सबसे बिहार में सबसे बेस्ट यही रोड माना जाता है ब्लॉगिंग के लिए, तो यहीं पे आज चेक करता हूँ। तो गाइस आप लोग को दिख रहा है होगा कि नहीं दिख रहा होगा पता नहीं चल रहा है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। इंडिकेटर ऑन था तो गाइस बस आराम से चलना है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हम लोग तो मोटर ब्लॉगिंग में और क्या क्या चाहिए करना चाहिए। अटल पथ में आ गए तो आप लोग को पता चल रहा होगा कैसे साउंड आओगे, क्योंकि हवा भी बहुत अच्छा चला, मौसम भी बहुत अच्छा है। तो गाइस नज़ारा देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा है। आगे आगे यहाँ पुल पे कुछ काम चल रहा है, पेंटिंग वेंटिंग हुआ, ये देख सकते हैं कलाकारी यहाँ पे हो रही है। तो चलिए चलते हैं। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।